आसमान में ड्रोन उड़ रहा है, जमीन पर पुलिस का कड़ा पहरा है, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम में पुलिस के अधिकारी खुद चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। जो बोगला के बाद रेलो की ओर को, आगे सिंधवार की ओर को डबल ट्रिपल लाइन होती जा रही है, इसे क्लियर कराएंगे जितनी जल्दी हो सके, पहुंचेंगे वहीं से इसको क्लियर करना शुरू करेंगे। सिंगल लेन के बाद डबल लेन लगी हुई है, किसी भी हालात में इसको इंसर्ट कराएंगे। सभी लोग इनको जो भी डबल लेन की ओर आ रहा है उसे बाहर निकालेंगे। सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा है, बड़ी संख्या में शिव भक्त धर्म ध्वजा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरे दल बल के साथ तैनात है। इंच इंच पर खाकी की तैनाती है, तो आसमान से भी बाज की नजर से पहरेदारी की जा रही है। तस्वीरें हरिद्वार की है, जहां डाक कांवड़ निकली है। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा है, ऐसे में पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, कहीं जाम और भीड़ ना लगे, कहीं हुड़दंग ना हो, इसके लिए हरिद्वार में खाकीधारियों ने अपना ताना बाना बिछा रखा है। पूरे संसाधनों के साथ उतरी पुलिस शिव भक्तों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। द्वार में जितने भी हमारे सुपर जेडो हैं, इनके नेतृत्व में टीमें लगी हैं, साथ में 6 स्ट्राइकिंग जो हमारी टीमें हैं वो जो मेन यहाँ पर कंजेशन है उस पॉइंट पर लगे हैं, ताकि ट्रैफिक को तुरंत जो है क्लियर करा सकें। इसमें हमारे आगे जो क्रूशियल करीब 24 आवर जो नेक्स्ट है वो काफी क्रूशियल है, और अगर हमने ये 24 घंटे अच्छे से कर लिया तो आगे हमारा कांवड़ अब तक मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है सभी लोगों ने, और हम इसे बहुत सकुशल से खड़ा करा पाएंगे। इसके लिए हमारी सभी टीमें पूरी मेहनत से काम कर रही हैं, और हम लोग सभी अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी जगह पर सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं अच्छी ड्यूटियां परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि हम अगले 24 घंटे में इसको बेहतर तरीके से और संपन्न करा पाएंगे। हरिद्वार के रुड़की में पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलौर बाईपास से होते हुए डाक कांवड़ आगे बढ़ी तो ये नजारा देखते ही बन रहा था। आसमान से पुलिस का ड्रोन तस्वीरें दिखा रहा था। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो आधुनिक तकनीकी से लैस पुलिस के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर तैनात हैं। तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 4 ड्रोन कैमरे उपलब्ध कराए गए, तो वहीं प्राइवेट वेंडरों से भी ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। 400 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इस पूरी कांवड़ यात्रा को पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके और ये पूरी यात्रा सभी के लिए सुगम, सुरक्षित और सकुशल संपन्न हो सके। ट्रैफिक की तरफ से 4 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं और अन्य प्राइवेट वेंडर्स की तरफ से भी ड्रोन हायर किए गए हैं। लगभग सभी थाना क्षेत्रों में, कोतवालियों में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सभी जगह पर इस ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल से, एडवांस तकनीक के इस्तेमाल से चीजों को बेहतर तरीके से संपादित कराया जा सके। पुलिस हर मोड़ पर कांवड़ यात्रा को सकुशल पार करा रही है। 3 दिनों तक चलने वाली डाक कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाने के लिए पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। आसमान से लेकर जमीन तक, सड़क किनारों से लेकर कंट्रोल रूम तक पुलिस महकमा मुस्तैद है। खाकी कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि कांवड़ियों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। ये संदेश पिछले दिनों प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दे चुके हैं। धामी ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में चल रहे कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम के इन आदेशों के बाद पुलिस ने अपना पहरा और तेज कर दिया है। पुलिस की मुस्तैदी का ये नतीजा है कि सड़क पर भारी संख्या में उतरे कांवड़ियों की अभेद्य सुरक्षा में ना तो परिंदा पर मार सकता है, ना ही हुड़दंगियों की मंशा कामयाब हो सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।